पंजाब में से नशे के खात्मे के लिए पुलिस द्वारा लोगों के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी गई है, जिसके चलते एडीसीपी श्री बाल किशन सिंगला द्वारा वार्ड नंबर 13 तथा 15 में सांझे तौर पर मीटिंग की गई, जिसमें भारी संख्या में इलाके के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान इलाका निवासियों को नशा करने वालों तथा गुंडागर्दी करने वालों पर आ रही परेशानियों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर एडीसीपी ने लोगों को विश्वास दिलाया कि एक महीने के अंदर अंदर इस मुश्किल का तोड़ निकाला जाएगा, नशा तस्कर तथा गुंडा अंसनों को पकड़कर जल्द से जल्द जेल भेजा जाएगा। अज की मीटिंग नहीं है, रूटीन चुन मीटिंग चल रही पी है। असं पब्लिक ग्रास ग्रास रूट लैवल तक असं उन्होंने तक जा रहे हैं, उन्होंने पूछते पे हैं, उन्होंने असं कॉन्फिडेंस बिल्ड करते पे हैं, ता जो साडे कोल आन सानू सही इनफॉर्मेशन देन, ता जो असी जिहड़ी है नशे की जिहड़ी हैगी है जड़ हैगी है असी खत्म कर सकते। साडा भी लोगों तो पता लगता कि यही इन्हों प्रॉब्लम हैगी, लोगों को भी पता लगता कि इन्हों ऑफिसर है, ता जो एक रिलेशन बनता है। ये खाना पूर्ति कदे नहीं होंगी है, ये मीटिंग कंटिन्यू रहनगियाँ जो तक जे कह जे इन्हें मोहतवर है असं फिर आवेंगे इतने साढ़े को आन हमेशा जारी है। लोगों को मैसेज साढ़े तो लोगों को ये मैसेज है, सब तो पहला जो सानू इनफॉर्मेशन दे, सब तो पहली गल सही इनफॉर्मेशन दे, दूसरी गल अपने आप देख कि साढ़े जेडे समाज जी गली उन्होंने गली कोई भी अजे बंदे है जेडे गलत काम करते हैं, उन्होंने डरन ना, उन्होंने सानू नाम दसन ता जो असं उन्होंने पकड़ सकी। तीसरी गल अपनी ड्यूटी समझन, अपने राइट्स नू फिर बाद लैके आन, पहला अपनी ड्यूटी समझन कि साड़ी भी ड्यूटी बनती है इनफॉर्मेशन देना। तो सब उस बाद जेडे ट्रैफिक के बारे इन्होंने कहा गया अपने ट्रैफिक रूल फॉलो करन। तो एक मैं मौत इन्हों होर कहांगा अपने ज कौंसलर साहब न कि अपने एरिए लोगों की मदद नाल सीसीटीवी कैमरे लगाए जान, ता जो असं इन्हों ट्रेस करने सानू हेल्प हो।